वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति उद्योग बंधुओं के साथ बैठक किया और उनकी समस्याओं को सुनते हुए उसके निस्तारण के आदेश दिए। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के.विजयेंद्र पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा, उद्योगपति अजीत सरिया सहित अन्य अधिकारी और उद्यमी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों और औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याओं से अवगत हुए। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों को सहूलियत देने और प्रदेश के औद्योगिक विकास में उद्योग बंधुओं की भूमिका पर चर्चा की, जिसमें बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत कुछ सुधार को लेकर CM योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए और कहा कि प्रदेश के विकास के लिए उद्यमी आगे आएं, प्रदेश सरकार उन्हें सुरक्षा सहित अन्य मानक उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में उद्योग लगाने की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए उद्यमी आगे आएं और उद्योग स्थापित कर बेरोजगारों को रोजगार के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाएं। एसोसिएशन हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारीगण जुड़े हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। जिन्होंने इंप्लीमेंटेशन कर चुके हैं या उसकी प्रक्रिया में, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सर, आपके अपेक्षा अनुसार आज सभी 75 जिलों से जो है जो एसोसिएशन से जो जनपद स्तरीय पदाधिकारी हैं उनमें से जिलों में इस बैठक में सर भाग ले रहे हैं। उद्योग बंधु की व्यवस्था है जनपद स्तरीय, मंडल स्तरीय, राज्य स्तरीय। सर, राज्य स्तरीय बैठक की जो उद्योग बंधु की बैठकें मुख्य सचिव तथा IDC की अध्यक्षता में सर होती है। सर, एम्पावर्ड कमेटी है, राज्य स्तरीय शिक्षक समिति जो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में है, उसकी बैठक यहाँ पर आज की जा रही है। उद्योग की जो समस्या है सर, नीचे के जो कई औद्योगिक इकाइयां प्रभावित हुई है, सर उसके बारे में चर्चा कर निर्णय लिया जा रहा है। इंडस्ट्रीज को दिक्कतें सबसे कम हो और उनको आगे बढ़ावा दिया जा सके, इसमें सर सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है सर कि जो वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स यूनिट्स हैं उनको इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। औद्योगिक करों पर सर ट्रांजेक्शन होते थे उसमें मंडी टैक्स को पूरी तरह समाप्त किया है। सर सर SGST रिइंबर्समेंट में जो दिक्कतें आती थी उनको स्टैंडर्ड करने के लिए सर सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किया है। प्रदेश के पिछड़े हुए इलाके हैं बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्यांचल, उसमें त्वरित निवेश प्रोत्साहन योजना सर लागू की गई है, जिसमें यदि कम समय सीमा में निवेशक अपना निवेश पूरा करते हैं तो उनको और अधिक आकर्षक इंसेंटिव सर प्रोवाइड किए गए। सर, इसके बारे में कुछ प्रस्ताव भी आए हैं, इसके बहुत अच्छा स्वागत किया है निवेशकों ने। सर, NCR क्षेत्र ने थी उसको पूरे प्रदेश में लागू किया गया। सर, पूरा प्रदेश के सभी जनपद से इससे लाभान्वित होंगे और सर इसमें विशेष प्रावधान किए गए कि जो अन्य देशों से जो निवेश यहाँ पर स्थापित होकर आना चाहते हैं उसके लिए विशेष प्रावधान किए गए। सर, एक स्टार्टअप पॉलिसी सर नई बनाई गई 2020 में, सबसे बड़ी बात यह है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उसकी स्तरीय कमेटी है, पहले एक विभाग में जब ये सरकार में उच्चतम स्तर पर इस पॉलिसी का क्रियान्वयन व्यवस्था की गई है और सर स्टार्टअप्स को जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो युवा हब सर उससे इसको जोड़ा गया है। प्रदेश के 41 जिलों में जो औद्योगिक स्थान है उनसे 6 करोड़ रुपए की वसूली शामिल होती है। सर, वर्तमान नियमों में 20% पैसा उसी क्षेत्र में लगाने का, औद्योगिक क्षेत्र के रख रखाव पे लगाने का प्राविधान है। सर, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि उसको 60% कर दिया जाए तो ये कर दिया जाएगा। सर, 3 दिन का हो जाएगा ना? जिस कबाब है अच्छा सर, इसके बाद जो अगला चरण है सर उसमें सभी जिले जुड़े हैं। सर, तो आपने मुझे सर 3 जनपदों से सर जो वहाँ पर औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि उनसे सर हम लोग कहेंगे कि वो आपके सामने अपना सुझाव जो भी बात करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं कानपुर नगर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन पॉलिसी लाए, उसके साथ साथ 20 और सेक्टोरल पॉलिसीज भी लेकर आए, जिसके कारण एक बड़ा एक इन्वेस्टमेंट समिट हुआ जिसके जिक्र आलोक कुमार जी ने भी किया भी है। और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली, कानून व्यवस्था के तहत और अन्य व्यवस्थाओं के तहत यहाँ पर तस्वीर बदलनी चुकी। आप सबके साथ संवाद करने में आज मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई है। इस चुनौती से स्वयं का बचाव करते हुए
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ जीतने और जागरूकता के इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे होंगे। वास्तव में हम इस समय के सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति में वर्तमान में खड़े हैं। पूरी दुनिया के अंदर लोगों के सामने ढेर सारी चुनौतियां सामने आई हैं। विगत 6 माह के अंदर जो चीजें दुनिया ने देखी है, उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आज हम लोग इस संवाद के लिए आपके साथ यहां पर बैठे हैं। मैं प्रारंभ से इस बात का पक्ष धर रहा हूं, इस संवाद के माध्यम से हमें समस्याओं का समाधान का रास्ता निकालना चाहिए और एक एक चोच की बजाय हम एक पॉलिसी बना करके एक समय सीमा के अंदर इन समस्याओं के समाधान का कार्य करें। आज का यह संवाद वैश्विक महामारी कोरोना के कालखंड में जो तमाम प्रकार की चिंताएं हमारे उद्यमियों और निवेशकों के मन में है, उन्हें दूर करने और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य पिछले 3-3.5 वर्षों के अंदर बना है। उत्तर प्रदेश के रिसेप्शन के बारे में देश और दुनिया में जो वर्तमान का संदेश है यह बहुत स्पष्ट है। आप में से अधिकतर जिन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश किया है या निवेश करने के इच्छुक हैं उस वातावरण से अच्छी तरह निकल रही है। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो वास्तव में केवल एक सामान्य राज्य नहीं है, देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ ही जो राष्ट्रीय कुल सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 8% का योगदान उत्तर प्रदेश वर्तमान में कर रहा है। देश की सबसे बड़ी आबादी 24 करोड़ की आबादी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही है, यहाँ निवास करती है और 24 करोड़ की आबादी का अपने आप में ये देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भी। एक युवा राज्य है, हमारी लगभग 60% आबादी यह कामकाजी है, ऊर्जावान है, इसलिए इस बड़ी आबादी को हम प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ ही प्रदेश के जो समग्र विकास की अनेक संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के साथ जोड़ करके देख सकते हैं। गत 3 वर्षों के अंदर हम लोगों ने इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया है और ये सब आपके सामने है और मैं निश्चित ही विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सुधार के कारण प्रदेश में निवेश का एक माहौल बना है। हमने शुरू से ही इस बात पर फोकस किया था कि हम लोग प्रदेश में इज ऑफ बिजनेस में बेहतर स्थान तो प्राप्त करेंगे ही
लेकिन उस प्रकार के वातावरण को जो एक सामान्य उद्यमी के लिए, एक सामान्य निवेशक के लिए आवश्यक है, इन सब के लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे प्रदेश सरकार उठाएगी।